खबर सुजानगढ़ से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल की तबियत को लेकर इबादतों और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उनके चाहने वाले और कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों और मंदिरों में उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए दुआ कर रहे हैं। इस दौरान गोपालपुरा गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाए तो कहीं पर यज्ञ और हवन किए जा रहे हैं। इसी के साथ शहर के प्राचीन बगड़िया मंदिर में भी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित व्यापारियों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि विधायक मास्टर भवनलाल की तबियत बिगड़ने के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में फिलहाल उनका उपचार जारी है। लोकप्रिय नेता हमारी सुजानगढ़ के सबसे प्यारे व जनप्रिय नेता हैं मास्टर भवनलाल जी, जिन्होंने सुजानगढ़ के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं और सुजानगढ़ की गरीब जनता के लिए उन्होंने खूब सेवा किया है। और उनके अचानक तबीयत खराब होने से, स्वास्थ्य बिगड़ने से हम लोगों ने आज बाजार के कुछ लोगों ने आपस में भाइयों ने मिलकर आज ये हमने सुंदरकांड का पाठ किया है ताकि उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके और स्वास्थ्य लाभ मिल के वो वापस गरीब जनता के बीच में आके और उन जनता की सेवा करें। इसी के लिए हमने